चलो मेरे एग्जाम वॉरियर्स, जैसे कि आप अभी क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें इस बीच में आपको बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, आप ये समझ नहीं पाते कि इस जो 1 से 2 महीने के तो परीक्षा के दौरान है उसको आप कैसे डील करें, है ना। तो इसी के लिए आज हम डॉक्टर शर्मा मैम से मिलने आए हैं, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। ये आपको आज बताएंगे कि आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन टाइम में कैसी चीजों को समझे, क्या चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है, और ये डिप्रेशन का टाइम होता है जो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो कि एग्जाम प्रिपरेशन कैसे किया जाए, तो उससे मैम आपको डील करेंगे। तो मैम आप बताएंगे, थोड़ा हमारे बच्चों को गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एग्जाम का टाइम है, मतलब हमारे अंदर थोड़ा बहुत डर, थोड़ा घबराहट, थोड़े से हम परेशान भी हो जाते हैं, और एग्जाम्स के दौरान स्पेशली हमें ऐसा लगता है कि जो हम याद कर रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं वो हम सब कुछ भूलते जाते हैं। तो ये एक गलत फहमी का शिकार बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कि मैडम मैं जो भी पढ़ता हूँ या जो भी पढ़ती हूँ वो भूल जाती हूँ। तो ये क्लियर करना जरूरी है कि वेदर यू रिमेम्बर द इंफॉर्मेशन और नॉट, जो भी आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई करने का तरीका एक होता है, पढ़ाई करने बैठने के पहले एक हमको माइंडसेट बनाना पड़ता है कि हाँ अब मुझे इस सब्जेक्ट को उठाना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठना है, और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी दी है उस याद करने का एक बेस्ट साइकोलॉजिकल टेक्निक होता है जिसे हम कहते हैं चंकिंग। चंकिंग मतलब होता है कि कोई भी एक इंफॉर्मेशन को एक पैराग्राफ ही ले लेते हैं हम, तो उस पैराग्राफ को हमने क्या किया, अलग अलग चंक्स में या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और हर छोटे छोटे पार्ट को फिर हम याद रखेंगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हमने एक पैराग्राफ के मल्टीपल पार्ट्स बना लिए। उन मल्टीपल पार्ट्स को अगर हम याद करेंगे एक एक करके, तो वो बड़े पैराग्राफ को याद करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जिसे हम कहते हैं चंकिंग। तो चंकिंग का हमेशा ही अपने पढ़ाई करने के दौरान आप मेथड को इस यूज कर सकते हो बिल्कुल। दूसरी चीज, जब हम बैठते हैं पढ़ने बैठते हैं तो एक माइंडसेट पढ़ाई करने के पहले बनाना जरूरी है कि अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, अब कम से कम मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, उस 1 घंटे में मुझे ये जानकारी को अच्छे से मगअप करना है और उसके बाद रिवाइज करना है। रिवाइज करना इसलिए जरूरी होता है कि जो भी आपने पढ़ाई की है उसको आप खुद चेक कर रहे हो कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे याद है या मैं भूल चुका हूँ। इसमें ऐसे टाइम पे बच्चे बहुत सारे बोलते हैं रिटर्न प्रैक्टिस की बात करते हैं कि अभी बोर्ड्स का टाइम है तो ये रिटर्न और ये सब का अभी तो हमारे पास वक्त नहीं है, अभी हमें क्या करना है, जो हमने पढ़ाई जितनी अब तक पढ़ाई की है उसको हमको क्रॉस चेक करना है, उसको हमको गो थ्रू करना है। रिवाइज मतलब क्या, जितना पढ़ाई हमने किया है उसको फिर से एक बार विजन में अपनी लाना है, उसको नजरों के सामने से उसको लेके जाना है। ऐसे में आप सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है अपने खाने पीने पे, अपनी नींद पे, क्योंकि जितना आप दिमाग को आराम देंगे, दिमाग हमारा आराम कब करता है, जब हम सोते हैं। जितना ज्यादा आपके ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, आपका ब्रेन, आपका दिमाग उतना ही अच्छे से फंक्शन करेगा। दूसरी चीज, मोबाइल वगैरह का थोड़ा सा आप उस समय पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा यूज आपको कम करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ रही है तो आप मोबाइल को यूज करिए, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आजकल मोबाइल सभी के पास रहता है, तो ऐसे में वो एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, तो ये इस चीज से थोड़ा सा बचे। तीसरा, कॉम्पिटिशन में ना जाए। कॉम्पिटिशन में ना जाए मतलब ये कि आपको ये लगता है कि मेरे फ्रेंड की पढ़ाई इतनी हो गई है पर मैं बहुत पीछे रहती हूँ, और ऐसा सोच सोच के क्या होगा, आप परेशान रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, और उस तनाव में अगर आप आ गए, तनावग्रस्त अगर आप हो गए, तो जो आपका पढ़ाई किया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं माइंड से हमारे निकलने लगता है। तो कोशिश करिए, सबका अपना कैपेसिटी होता है, सबका अपना पोटेंशियल होता है, मैं जितना सीख पाऊंगी वर्सेस कोई दूसरा पर्सन जो सीखेगा, उन दोनों में डिफरेंस होगा, सबकी स्पीड में भी फर्क होता है, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी को वही चीज को याद करने में समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो कॉम्पिटिशन इज गुड, बट कॉम्पिटिशन के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि आप परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस में आ रहे हो, तनाव में आ रहे हो, और आपकी जितनी मेहनत आपने की है वो वेस्ट हो जा रही है। खाने पीने का बहुत ध्यान दीजिए, कोशिश करिए एग्जाम के दौरान स्पेशली फास्ट फूड, जंक फूड से बचिए, जितना ज्यादा हो सके घर के खाने पे फोकस करिए। फ्रूट्स का सेवन बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द टाइम जब हमारा ब्रेन भी बहुत ज्यादा काम करता है, और ब्रेन को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, डाइट से। डाइट हम लेंगे, डाइट हमारे शरीर को एनर्जी देगा, और वही एनर्जी इन टर्न कहाँ पे जाती है, ब्रेन अपने कामों में यूज करता है। इसमें आता है एक, हम बात करेंगे यहाँ पे मेंटल फंक्शंस। मेंटल फंक्शंस मतलब हमारा दिमाग क्या क्या काम करता है, जैसे शरीर हमारे बहुत सारे काम करता है उसी तरह बोलते हैं मेंटल फंक्शंस होते हैं। मेंटल फंक्शंस में बेसिक मेंटल फंक्शन क्या होता है, सबसे बेसिक जो काम होता है वो होता है थिंकिंग,
मतलब सोचना, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आपके पास आया, आपने क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत आप क्या करोगे उस क्वेश्चन का आंसर सोचने लगो कि इस आंसर में मुझे क्या लिखना है। तो ये मेंटल फंक्शंस हमारे इम्प्रूव करने के लिए डाइट एंड स्लीप, एंड तीसरा मेथड होता है थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना के स्क्रीन टाइम आउट देना यहाँ पे जरूरी है। तो ये तीन अगर आपने मेन चीजों पे फोकस किया तो बाकी के जो स्टडी के मेथड्स होते हैं, कई बार देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सुबह सुबह पढ़ना प्रेफर करते हैं, बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे फ्रेंड सुबह सुबह उठ जाते हैं, हम पढ़ाई कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं मॉर्निंगनेस एंड इवनिंगनेस। कुछ लोग सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ना चालू कर देते हैं, वही पढ़ाई कुछ लोग आधी रात को करते हैं, जब सब सो जाते हैं तब वो लोग पढ़ते हैं। तो इसमें मेथड्स में आप इतना टेंशन मत लीजिए कि मेरा दोस्त सुबह से उठ के पढ़ जाते हैं। मेरी आई वॉज अ इवनिंग पर्सन, मेरी पढ़ाई इवनिंग में मैं ज्यादा करती हूँ, प्रेफर करती हूँ, शांत रहता है माहौल और उस समय जितना माहौल शांत रहेगा आपके अंदर इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छे से चली जाएगी। तो इसमें भी हमको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मैं सुबह से उठा नहीं, पढ़ाई कर नहीं पाया, ये अपना अपना मेथड होता है। अपनी टेक्निक को समझने की कोशिश करिए कि आपका टेक्निक कैसा है, आपको किस चीज से जल्दी समझ में आता है, वो इन्फॉर्मेशन आप कितनी देर तक रिटेन कर पाते हो। एग्जाम के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, वन लाइनर्स और टू लाइनर्स। इसमें क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ रहे हो, जिसे आप समझना चाहो, कोई भी पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को का मेन जो थीम है उसको हम एक या दो लाइन में अगर लिख लेंगे तो हमारे लिए क्या है, वो पूरा का पूरा एक सार का काम करेगा कि हाँ इस पैराग्राफ में बताई जाने वाली इंफॉर्मेशन का एक या दो लाइन में मीनिंग ये निकलता है, वो एक या दो लाइन का मीनिंग आप याद रखेंगे तो ये क्या बाकी का बड़ा ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वापस आ जाएगा। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने लैंग्वेज में कोशिश करिए, आंसर को समझिए और अपनी भाषा में लिखिए, उसका मीनिंग समझिए, उसमें क्या बताया जा रहा है, कोई भी प्रश्न आ रहा है तो उसमें क्या पूछा जा रहा है, तो उस आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बेसिक हमने इंट्रोडक्शन बना दिया। हाँ, परिभाषाएं जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, परिभाषा जिनके द्वारा दी जाती है उसको हम इनडायरेक्ट एज सच इन्वॉल्व करेंगे, तो परिभाषाओं में तो हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, बट उसके आंसर में क्या डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें अपने शब्दों में लिखना है, और आंसर को फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं एक लास्ट में डिस्कशन या कंक्लूजन से। आंसर लिखने के दौरान की भी मैं दो बातें आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों का एक थॉट पैटर्न मिलता है कि हम सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री लेते जाते हैं। देखिए जो टीचर्स होते हैं, आपको मैं एक टेक्निकलिटी यहाँ पे बता देती हूँ, जो टीचर्स एग्जाम जो आंसर शीट जो चेक करते हैं उनको एक आंसर शीट के पीछे 5 मिनट मिलता है। आप सप्ली पे सप्ली लिखते जाओगे, भरते जाओगे तो किसी टीचर के पास इतना टाइम नहीं लगता कि वो एक एक आंसर शीट को इतना पढ़ेंगे, तो कोशिश करिए कि आपका जो एक आंसर है आप उसका एक सिनॉप्सिस छोटा सा बना लीजिए। सिनॉप्सिस मतलब आंसर से पहले प्रश्न उत्तर नंबर 2 लिखा, उत्तर नंबर 2 में एक आपने लिखा इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर किसी के प्रकार हो गए, फिर उसके उसमें और जो पूछा जा रहा है उसके बारे में। तो सिनॉप्सिस में हमने क्या बता दिया कि इस उत्तर के अंदर क्या क्या है, और वो सिनॉप्सिस लिखने में भी आपको 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, कोशिश करिए 20-25 सेकेंड से ज्यादा ना निकालिए। तो हर आंसर को टाइम डिवाइड कर लीजिए, आपके मान लीजिए 5 प्रश्न आते हैं अगर आपको एग्जाम में, तो हर प्रश्न का आप टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कर लीजिए, बिकॉज यू विल गेट 3 आवर्स, 3 घंटे आपको मिलेंगे, उस 3 घंटे को आप पूरे एग्जाम में पूरे आंसर में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट, पूरे क्वेश्चन में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो पर आंसर हम 30 मिनट लगा सकते हैं, ठीक। तो अगर कितने हुए हमारे 5 क्वेश्चन, फिर पर आंसर हमने 30 मिनट दिया, उसके बाद हमको लास्ट में क्या करना है, रिविजन भी करना है कि कहीं मैंने मेरा कोई आंसर छूट तो नहीं गया। और कभी ऐसा भी होता है जब एग्जाम के दौरान हमें याद नहीं आ रहा होता कि क्या लिखना था या मैं भूल गया, उस समय उस आंसर को छोड़ के कुछ पन्ने छोड़ के आगे बढ़ जाइए, वहां पे आप सोचेंगे तो आप बाकी का आगे के आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये गलती बच्चे बहुत करते हैं कि वो उसी आंसर में बहुत टाइम लगा देते हैं, क्योंकि
कई बार हम एग्जाम के दौरान एग्जाम में एक पैनिक वाली सिचुएशन होती है। हाँ, हाँ, जैसे हाँ, एक क्वेश्चन और था बच्चों का कि बच्चे होते हैं जो मतलब क्लास घर में रह रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में, लेकिन जैसे वो एग्जाम हॉल में जाते हैं वो एंजाइटी पीयर प्रेशर आ जाता है, मार्क्स प्रेशर, तो वो बच्चों को हम कैसे डील करें? उस समय इमीडिएट जो टेक्निक होती है वो ये होती है, कुछ ये सब पे वेरी करता है, बट जो एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है वो होता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अलोम विलोम जो हम कहते हैं। आप बच्चे को वहाँ पे अपने सीट पे बैठने बोलिए, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, जाएंगे रोल नंबर चेक करेंगे, कई बार गलत टेबल पे भी बैठ जाते हैं, हड़बड़ी में इतनी ज्यादा है कि पैनिक सिचुएशन होती है, सिचुएशन में वो देख नहीं पाते। तो रूम में जाने से पहले एक बार थोड़ा सा भगवान जी को याद करिए, जिसमें भी वो करते हैं उसको थोड़ा सा याद करिए। एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले थोड़ा सा इनहेल एक्सहेल चार पांच बार, और सीट में जाने के बाद ये काम करना बहुत जरूरी है, भगवान को ही याद करिएगा तो बहुत हिम्मत आ जाती है। मैम वो जैसे लास्ट मिनट प्रिपरेशन होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो एग्जाम हॉल में घुसने तक पहले तक इतने प्रेशर में, तो आपको क्या लगता है कि कितनी देर तक पहले हमको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बल्कि एग्जाम आप एग्जाम जो बच्चे जैसे ये जिनकी ये हैबिट होती है, हाँ, क्या होगा आप लास्ट मोमेंट में जो जो फील करोगे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, वो प्रेशराइज, हाँ, बस वो दिमाग उस समय तनाव में बिल्कुल, तो वो और उस समय इन्फॉर्मेशन को ग्रैब नहीं करता, वो सिर्फ क्या मिक्सर हो जाता है, वो खिचड़ी पड़ जाती है। बिल्कुल, तो कोशिश करिए कि एग्जाम हॉल में जाने से 10 मिनट 15 मिनट पहले सब कुछ छोड़ दीजिए, या तो आप घर से निकल रहे हो हैप्पीली निकलो, आप बस एग्जाम निकलो, अपने चीजों को तैयार करके रखो और एग्जाम देने जाओ, क्योंकि देखिए ये एग्जाम आपकी लाइफ नहीं डिफाइन करेगा, ये आपको मार्क्स दिलाएगा, बट आपकी लाइफ कैसे डिसाइड होगी आपको करिए आपके कैलिबर से। बहुत बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, तो ये तो हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमें डिग्रीज मिल रही है, ठीक है, बट ये एक स्टेप है आगे बढ़ने के लिए, बट अल्टीमेटली जो है वो आपका कैलिबर, आपका पोटेंशियल, आपकी कितनी क्षमताएं हैं, वो सबके ऊपर निर्भर करता है। मैम जैसे 3 घंटों का एग्जाम होता है तो बच्चों को उस सीटिंग में, तो भी कई बच्चे होते हैं 1-2 घंटे बाद ही बहुत ज्यादा कहाँ जाना ऐसा हो जाता है, तो बच्चों को वो हैबिट स्टार्टिंग से ही ले आनी चाहिए। ये एक इसका भी एक प्रैक्टिस किया जा सकता है घर पे, हम जो सीटिंग कर रहे हैं वो 3-3 घंटों की, 3 घंटे का आप खुद अपना ही एग्जाम ले लीजिए घर पे, बिल्कुल, कि इतने बजे आपने अलार्म लगा ली, 3 घंटे का एग्जाम में खुद सेल्फ इवैल्यूएशन से कर सकते हैं, जिसमें बच्चे का बैठने का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, जिसमें बच्चे की हैबिट तो हो ही जानी है, और क्या आपको मेंटली वो प्रिपेयर हो जाएगा कि आप इतने देर तक, क्योंकि ऐसे में क्या होता है बच्चे अंदर से रेस्टलेस रहेंगे तो वो वॉशरूम के चक्कर लगते हैं, बिल्कुल है ना, वो बार बार उनको यूरिन आएगा, क्योंकि हम टेंशन में रहते हैं तो यूरिन की टेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है, वॉशरूम जाना पड़ता है, चक्कर लगता है, और वो आपके लिए अलग टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करें, देखिए बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कोई एकदम तो नहीं, अब हमने बहुत सालों से हम देख रहे हैं एग्जाम हम लेते आए हैं, तो कोई इसका ये शॉर्टकट कोई ऐसा मेथड नहीं है, छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो सबको अपनी आइडेंटिफाई भी करनी जरूरी है। एक बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैडम लिखते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं कि लिख के पढ़ो, अगेन ये आपका टेक्निक, अगर आपको बिना लिखे चीजें याद रह रही है तो आपको लिखने में फिर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपना पहले मेथड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेरी मम्मी पापा भी बोलते थे, मेरे मम्मी पापा इनका मेडिकल स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उसमें तो और ज्यादा, बट दे नेवर हैड रिटन प्रैक्टिस, मैंने कभी रिटन प्रैक्टिस से नहीं किया, सेम वाज विद मी। मैं ऐसी थी कि लगभग 4-5 कॉपी होती थी, मैं एग्जाम टाइम में भर देती थी लिख लिख के, मेरी उतनी हैबिट थी, तो वही है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हम सोचते हैं कि वो बाजू वाला क्या कर रहा है, एग्जाम टाइम में हम अपने आप को देखने के बाद बाजू वाले की प्रिपरेशन में ज्यादा फोकस होता है, फिर वो हमारे ऊपर प्रेशर बनता है। तो बच्चे आपको ये करना है, आप अपने कैलिबर को देखिए, आप अपने पोटेंशियल को देखिए, हो सकता है आप 1 घंटे में वो रिटेन कर पा रहे हो और वो 3 घंटे में, तो ये सिटिंग मत देखिए कि वो 3 घंटा पढ़ा, हो सकता है आपकी नॉलेज इतनी अच्छी कि आपने 1 घंटे में उसको ग्रैप कर दिया है ना, तो आपको इस एग्जाम प्रिपरेशन में अपने आप को देखना है रदर देन अदर को, इसी चीज को हम ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैम और एक क्वेश्चन होता है बच्चों की डाइट कैसे होती है, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं फिर एग्जाम टाइम में होती है कभी बच्चों की, अभी क्योंकि गर्मी भी लगता है मार्च शुरू हो जाएगी, तो इस पढ़ाई में बच्चों को क्या क्या चीजें जो एकदम मैंडेटरी बहुत ज्यादा? देखिए फ्रूट्स इनटेक, जूस इनटेक कर सकते हैं, फ्रूट्स तो सभी के घर में अवेलेबल है, उसी को हमने कुछ नहीं मिक्सी में ही पीसे, कोई बहुत आपको मिक्स में उसमें एक्स्ट्रा चीजें मिक्स ना करिए, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, इजी गोइंग जो फ्रूट्स आते हैं, तरबूज भी आज की डेट में आता है, एनर्जी आपको बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एनर्जी ड्रिंक लेते हैं,
तो डोंट गो फॉर आर्टिफिशियल थिंग्स, आप कोशिश करिए जो जितनी ज्यादा नेचुरल से नेचुरल चीजें, रोटी दीजिए, चावल से एक चीज है कि नींद आती है बिल्कुल, तो चावल का सेवन एग्जाम के दौरान, एग्जाम टाइम के दौरान दिन में ना रखें, राइस लीजिए बट रात को लीजिए, क्योंकि उससे थोड़ी सी नींद आती है, जो रात में पढ़ने वाले बच्चे, शाम को पढ़ने वाले बच्चे, वो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। एनर्जी जिससे ज्यादा मिले आप उस फूड पे प्रेफर करिए, रोटी आपको देगी, ब्रेड दिन और ब्रेकफास्ट लेना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज ये ब्रेकफास्ट ही आपको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी देगा। फिर हमारा लंच आता है, फिर बीच बीच में बच्चों को, पेरेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज रहेगा कि जो मदर्स हैं वो बच्चों को बीच बीच में कुछ ना कुछ स्नैक्स देते हैं, एंड प्लीज बाहर का कोशिश करिए ना खाएं, क्योंकि जंक फूड आपके लिए किसी भी तरीके से कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा लगेगा बट लॉन्ग रन में वो बेनिफिशियल नहीं है। तो घर का ही फ्रेश कुक्ड फूड जो है वो लीजिए, फ्रूट्स का इंटेक करिए, फ्रूट सलाद बना सकते हैं, चाट मसाला वगैरह डाल के, तो ये बच्चों को कुछ कुछ देर में मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उनको ऐसी चीजें देते हैं, हॉर्लिक्स है, ये जो मिल्क शेक्स वगैरह है अलग अलग, जैसे आप लोग अगर गाँव में रहते तो दूध पीजिए, दूध का इंटेक बहुत ज्यादा करिए, तो आप ये सब भी फोकस कर सकते हैं दूध में, बल्कि गांव में भी अच्छी मिक्सी तो होती ही होगी, तो दूध में हमने फ्रूट्स को डाल दिया, मिल्क शेक बन जाता है, आइसक्रीम मिला दी, हाँ, तो शेक बन जाता है, ऐसा वो थोड़ा सा सेवन उसका चालू करिए। और मैम एक बच्चों का रहता है कि एकदम पढ़ाई वजह से एग्जाम टाइम आता है, वो बच्चे घर से निकलना छोड़ देते हैं, एक्टिविटी छोड़ देते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो माइंड के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्या होता है किसी फिजिकल एक्टिविटी के पीछे क्यों लोग इतना इंसिस्ट करते हैं, बिकॉज उससे जो मैंने आपको शुरू में बताया था ब्रेन का जो फंक्शन है, जितना ज्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे आपके बॉडी को और आपके ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा, और जितना ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा हमारा दिमाग उतने अच्छे से काम करेगा, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन जिसे बोलते हैं, मेंटल फंक्शन एक आम भाषा में, साइकोलॉजी की भाषा में से हम कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव फंक्शन और मेंटल फंक्शन बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो दैट इज व्हाई एक्सरसाइज और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप चाहे गेम खेलो या सुबह योगा कर लो या वॉक करने चले जाओ, बट आप लोग को आधे घंटे तो एटलीस्ट आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी में, बहुत सारे बच्चे डांसिंग भी प्रेफर करते हैं कि म्यूजिक लगा लिया बट वो हमारे हमें फ्रेश करती है, और पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। एक चीज और आप ध्यान में रखें कि हमारा जो दिमाग है वो पौन घंटे तक बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा, जहां पौन घंटे से ऊपर होता है थोड़ा सा दिमाग थकने लगता है, तो उस पौन घंटे को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, बट उस पौन घंटे के बाद 5-7 मिनट का ब्रेक जरूर दीजिए, इससे क्या होगा दिमाग फ्रेश होगा, तो जो नई इन्फॉर्मेशन हम दिमाग को देंगे, फीड करेंगे ब्रेन में, वो उसको अच्छे लंबे समय तक ग्रास्प करके चल पाए, तो ये बहुत पुश बंद करना फिर चालू करना, वो हमें मेथोडोलॉजी अपनानी पड़ती है, तो आप उस पर ध्यान दें, तो अपने आप को एक्टिव मूड में डालना थोड़ा सा यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो मैम और बच्चों को और कुछ लास्ट आपको फ्रेश अगर फील करना है, रिलैक्स करना है आफ्टर स्टडी, तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, आपको जो मैंने अलोम विलोम बताया था इन्हीं एक्सरसाइज वाला, वो आप कर सकते हो बिल्कुल। म्यूजिक में भी कोशिश करिए इंस्ट्रूमेंटल, वो लिरिकल फिर दिमाग बच्चों का अलग कोशिश करिए रिलैक्स करने, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इज बेटर, वो बेटर है rather than lyrical one, या तो शिव तानो, जैसे मैं होती तो शिव तानो बहुत सुनती थी, exactly, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत रिलैक्स करता है, तो ये सारे म्यूजिक में भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। लाफ्टर थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है, अपने फैमिली के साथ आप कर सकते हैं कि बस जोर जोर से सबको हंसना है, घर के 4-5 मेंबर्स भी ये काम कर सकते हैं, जोर जोर से सिर्फ हंसे, एक की हंसी ना दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली हंसी पॉजिटिव एनर्जी है, तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है रिलैक्स करने के लिए अपने आप को, तो कुछ मेथड से आप फॉलो करिए और बताइए इसका आपको कितना लाभ मिला है।
तो बच्चों ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन के टिप्स थे जो हमारी शमा मैम ने हमसे शेयर किए। आई होप आप, हम सोचते हैं कि ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और आप जो एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशराइज हैं या सोच नहीं पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसमें हम बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को एक नए डायरेक्शन पे लेके जाएंगे और अच्छे मार्क्स के साथ अपने रिजल्ट लेके आएंगे। तो बच्चों इसी तरह से हम और अच्छे एक्सपर्टीज से मिलते रहेंगे, तो आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैम लास्ट पे कुछ टिप बच्चों के या कुछ कहेंगे? बस आप एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले एक बार थोड़ा सा भगवान जी को याद कर लीजिए, अपने डेस्क में बैठने के बाद थोड़ा सा इनहेल एक्सहेल अनुलोम विलोम करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको रिलैक्स करेगा, तनाव आपको उस समय नहीं होगा, तनाव से निपटने बिकॉज वो अपने आप में एक अपने को पैनिक करने वाली सिचुएशन होती है। तो जहाँ अपने डेस्क पे रोल नंबर वगैरह का आप बहुत ध्यान दीजिए कि आपको कौन सी जगह अलॉट हुई, कौन सा क्लासरूम, कई बार पैनिक में बच्चे वो भी भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, गलत रूम में चले जाते हैं, फिर वो टाइम उनका अननेसेसरी पेपर बढ़ जाता है। एग्जाम हॉल में पहुँचने कम से कम आपको कोशिश करिए कि आधे पौने घंटे पहले पहुँच जाए, क्योंकि कई बार ट्रैफिक में क्या है, कैसा है, कितने दूर है सेंटर, क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती, गाड़ी कई बार पंचर हो गई, कई सारे रीजन्स होते हैं, तो आधे घंटे पौने घंटे पहले पहुंचने में कोई बुराई नहीं है। और एकदम लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई एकदम मत करिए, 15 मिनट पहले किताबें सारी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मार्कअप करना आप उस समय जो पढ़ेंगे ना सारा फिर वो खिचड़ी बन जाएगी, आप आंसर समझ नहीं पाओगे, फिर लगेगा कि अभी अभी तो मैंने पढ़ा था अभी कैसे भूल गए। और एग्जाम में भी आंसर जब लिखने हैं कई बार ऐसा होता है कि उस आंसर को हम भूल जाते कि इसका क्या होता है, तो उस समय उसको स्किप करके आगे बढ़ जाए। और एक बच्चों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि मैडम हम क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज ही लिखेंगे कि पहले 1 लिखे 2 लिखे, तो इसमें आपके ऊपर आप वहाँ पे आंसर शीट में मेंशन कर दीजिए, अगर आपको 5वां क्वेश्चन या 4था क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो आप पहले उसको अटेम्प्ट, जो आपको सबसे अच्छे से आता है आप उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद बाकी का रैंकिंग दीजिए। तो इस हिसाब से ये कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है और दिस विल डेफिनेटली आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। थैंक यू मैम, हमारे बच्चों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ लक बच्चों।